साथियों जय भीम। आज है हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला, इनके साथी प्रशांत दुंता के साथ। जय भीम। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के ऊपर जो एक आत्महत्या से लेके एक आयोग गठित किया गया था, एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया था, तो आयोग का जो रिजल्ट आया है वो बोलते हैं कि रोहित वेमुला ने एक नैराश्य से ग्रस्त होकर आत्महत्या की है, इसके ऊपर आपका क्या है? रोहित वेमुला ने 18 दिसंबर 2015 में एक लेख लिखा था, जो वाइस चांसलर को लिखा था, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि आप वाइस चांसलर, आपने हमको सांघिक बहिष्करण इसीलिए किया, ईबीवीपी को मदद करने के लिए किया, जब हमारी आत्मसम्मान को ईबीवीपी वाले लोगों ने क्वेश्चन किया था, तब हम जब बात किए थे तब आप उसके खिलाफ हमारे को सोशल बॉयकॉट किया है, जब बाबा साहेब के बारे में हम पढ़ना शुरू किया और बात करना शुरू किया उसके खिलाफ हमको सोशल बॉयकॉट किया है, अगर आप वैसा ही करना चाहते हो तो आप हमको पॉइजन दिया हुआ होगा, जब कभी हम अंबेडकर के बारे में पढ़ सके तब हम वो ले सके, आप हमारे रूम को रोप सप्लाई कीजिएगा, वैसे वाले लेटर 18 दिसंबर को जब हम सबको सांघिक बहिष्करण किया गया था तब लिखा था, तो कैसे कह सकता है कि अशोक कुमार रोपन वाला जो ब्राह्मण वाला कमीशन है वो कैसे कह सकता है कि ये एक व्यक्तिगत तौर पे आत्महत्या किया था, ये जो समाज में जो जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ उसको ना सहते हुए जो सोशल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भाजपा आरएसएस और वाइस चांसलर ने कर रहा था उसको ना सहते हुए रोहित वेमुला को आत्महत्या करना मजबूर पड़ा, ये बात साफ सुथरी पता चलता है कि कैसे यूनियन मिनिस्टर्स, भाजपा की यूनियन मिनिस्टर्स और वाइस चांसलर अप्पा राव हमको कैसे विक्टिमाइज किया है, उस विक्टिमाइजेशन की ओर से आत्महत्या करना पड़ा। सर, जिस प्रकार से रोहित वेमुला का एक आत्महत्या हुआ था, इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ था, उसके बाद पूरे भारत में विद्यार्थी लोग, बहुजन जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने पूरे भारत में एक आंदोलन चलाए थे, तो उस बारे में आपका उस टाइम का आपका अनुभव क्या था? नहीं, ये जो कुछ भी आंदोलन उभर के आया है ये आंदोलन बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट दलित बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या और किसी भी संगठन के ऑर्गेनाइजेशन हो, वो होना बहुत जरूरी है, वो बाबा साहेब ने भी बताया है, क्योंकि हमारी समस्या एक दलित की समस्या दलित को ही पता चलता है तो वही आर्टिकुलेट भी कर सकता है, तो वैसे वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 1993 में आया है और हमारे जेएनयू में बापसा की ओर से आया है, वैसे वाली ऑर्गेनाइजेशन देश भर में उभर के आना वो बहुत जरूरी है। सर, रोहित वेमुला के एक इंस्टीट्यूशन मर्डर के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए कन्हैया को रिप्लेस किया गया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है और वो वामपंथी के लोग और द मोस्ट सेलिब्रेटेड वंस फ्रॉम दैट थिंग इज बेसिकली बीजेपी, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी रोहित वेमुला की इश्यू थी वो डाइवर्ट हुई थी, लेकिन हमारी मानना ये है कि जो कुछ भी प्रकाश की लोग जातिवाद के बारे में बात करते हैं वो पहले उनकी समाज को जाके सुधारे, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के पास जाके बात करें, भूमिहार है तो भूमिहार से बात करो कि तुम ये जातिवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन वो लोग दलित समाज के साथ आके बात करने की जरूरत नहीं होगी, वो हमारी मानना है। आपका मैसेज क्या रहेगा अभी यूथ और स्टूडेंट के लिए? नहीं, आज जिस तरह से भाजपा आरएसएस रोहित वेमुला के ऊपर अटैक किया था, हमारा 5 दलित रिसर्च कॉलेज के ऊपर अटैक किया था, और अब राधिका वेमुला जी के ऊपर जैसे रूपन वाला ब्राह्मण वाला कमीशन के को लेके अटैक कर रहा है, जैसे राधिका वेमुला जी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को महसूस किया था सोसाइटी में ही नहीं, उनके हाउस में जो जिस हाउस ने ओबीसी की फैमिली ने उनको अडॉप्ट किया था उधर भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया था, जैसे रोहित वेमुला ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को महसूस किया है, वैसे ही तरह में राधिका वेमुला जी के ऊपर एक असर्शन कर रही है, उन्होंने जैसे खड़ा होके कर रहे हैं, उसको भी टारगेट कर रहा है ये जो बीजेपी और आरएसएस के संगठन, तो हमको उनके अगेंस्ट में क्लियर मैंडेट देना चाहिए, चाहे वो इलेक्शंस में हो चाहे संगठन बनाने में हो, तो ये एक जरूरी होगी, और यूथ और विद्यार्थी संगठन इसको आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक खड़ी आंदोलन करना बहुत जरूरी है। ये थे शहीद रोहित वेमुला, इनके साथी माननीय श्री प्रशांत दुंता जी, जिन्होंने एक विद्यार्थी को एक मैसेज दिया है कि
एजिटेटेड हो जाइए, यूनाइटेड हो जाइए और जो मनुवादी विचारसरणी के जो लोग हैं उनके विरोध में एक जो एक स्टूडेंट फ्रंट निर्माण करके उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। मैं विदर्भ मूवमेंट, तशान बंसोड़ विदर्भ मूवमेंट में आरजू कामले के साथ।